बड़े सवाल पूछना। वर्ष 2008 में एलन मस्क ने अपनी $190 मिलियन की पूरी संपत्ति 3 कंपनियों स्पेसएक्स, टेस्ला और सोलर सिटी, उस समय एक अलग कंपनी, में लगा दी थी। उनमें से 2 कंपनियां असफलता के कगार पर थीं। उस दिन उनके द्वारा स्वयं से पूछे गए सवाल से अधिक बड़ा और क्या हो सकता है? क्या उन्हें एक कंपनी को बचाने के लिए दूसरों को असफल होने देना चाहिए? क्या उन्हें दोनों को असफल होने देना चाहिए? क्या उन्हें बेहद सीमित संसाधनों के साथ दोनों को बचाने का प्रयास करना चाहिए और संभवतः दोनों असफल हो जाएं? उन्होंने आखिरकार अंतिम विकल्प को चुना, जो आखिर में बेहद कारगर साबित हुआ। इस कठिन पल में मस्क की तरह छोटी और बड़ी कंपनियां, आपकी जैसी कंपनी आमतौर पर अस्तित्व संबंधी मुद्दे का सामना करती हैं। आपके बैंक या फिर आपके मकान मालिक द्वारा तालाबंदी करने या फिर एक अलग तरीके से प्रयास करने का अवसर मिलने के बीच सबसे बड़ा अंतर अक्सर बिल्कुल सही सवाल पूछने से ही आता है। 2 साल पहले मेरी जानकारी में एक कंपनी को $250,000 का नुकसान हुआ था। पिछले साल बिना नुकसान के व्यापार किया और 2019 में भी बिल्कुल यही स्थिति बने रहने का अनुमान था। मुनाफा कमाने में सुधार करने की दिशा में किए जा रहे सारे प्रयास 2017 में हुए नुकसान के चलते, आई पूंजी की कमी के चलते बेकार होते दिखाई दे रहे थे। प्रचार, अनुसंधान एवं विकास इत्यादि के लिए पैसा नहीं था, लेकिन कंपनी के पास विशेषताओं का पूरा सेट है, जिसमें ये भी शामिल है कि भौतिक संयंत्र का बेहद कम उपयोग हुआ है, उनके पास प्रशिक्षित कर्मचारी हैं और सीईओ के पास धैर्य है। सबसे बड़ा सवाल ये था कि इन विशेषताओं के साथ कंपनी और क्या कर सकती है। संभावित उत्तरों में दूसरी कंपनियों का काम करने के लिए दूसरी पाली में काम करने का विकल्प था, कुछ ऐसे सरल भागों का निर्माण करना जिनकी मांग है और जो मौजूदा उत्पाद श्रेणियों से जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसे उत्पादों का निर्माण करें जो अभी नहीं बन रहे हैं और जिन्हें उपभोक्ता खरीदेंगे, या फिर कंपनी किसी ऐसे को बेचे जिसके पास अधिक वित्तीय संचय हो या फिर किसी अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंच हो। सवाल को जानने के बाद मालिक के पास विचार करने के लिए विकल्पों का ढेर था। एक अन्य मौके पर एक सीईओ ने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा और पूछा, क्या मैं इस कंपनी को संचालित करने के लिए उचित व्यक्ति हूँ? ये एक बड़ा सवाल था। मेरा जवाब था कि उनके पास ऐसा करने के लिए आवश्यक कौशल मौजूद है, लेकिन उन्हें बेहतर तरीके से निष्पादन करने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में आपके जहन में और कौन से संभावित सवाल या जवाब आते हैं? कुछ ऐसे सवाल जो बड़े सवालों के रूप में योग्य हैं, निम्नलिखित हैं। क्या मुझे एक बड़े उपभोक्ता को निकाल देना चाहिए? क्या मुझे एक प्रमुख उत्पाद या सेवा को छोड़ देना चाहिए? मैं अपनी आय बढ़ाने को लेकर कितनी परवाह करता हूँ? मैं अपनी कंपनी को सफल होते हुए देखने के लिए क्या बलिदान करने को तैयार हूँ? मैं व्यवसाय में क्यों हूँ? मैं किस पर भरोसा कर सकता हूँ? क्या मुझे अपनी व्यवसायिक योजना पर पूरी तरह से पुनर्विचार करना चाहिए? प्रक्रियाएं, कर्मचारियों की भर्ती, इस व्यवसाय के अगले वर्ष में असफल होने की क्या संभावना है? 5 साल में क्या मुझे यहाँ काम करना पसंद है? आप सही सवालों को निर्धारित करने में मदद करने के लिए अपने कर्मचारियों, अपने उपभोक्ताओं या फिर अपने आपूर्तिकर्ताओं का रुख कर सकते हैं। वे क्या देख रहे हैं? इससे भी बेहतर रहेगा विचार विमर्श के लिए एक स्वार्थ रहित तीसरे पक्ष को जोड़ना। ये एक सलाहकार, एक प्रशिक्षक, CPA, निदेशक मंडल या फिर एक मास्टरमाइंड समूह हो सकता है। दूर की सोचने वाला, यानी विजनरी। हम ये साबित कर चुके हैं कि एलन मस्क उस प्रकार के उद्यमियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें हम दूर की सोचने वाला कहते हैं। उनके पास भविष्य को देखने की पैनी क्षमता होती है। हालांकि हो सकता है कि वे किसी भी संख्या में गलत हों, लेकिन उनकी जिज्ञासा और विश्लेषणात्मक प्रकृति उन्हें मजबूत अर्थ प्रदान करती है कि अर्थव्यवस्था, व्यापार जगत और विशिष्ट उद्योग में क्या होगा जिसमें वे अपने उत्पादों और सेवाओं को बेचने की उम्मीद करते हैं। विजनरी आमतौर पर उन विशिष्ट तरीकों की कल्पना कर सकते हैं जिनमें वो रास्ता खोलने से पहले अपने विचारों को उत्पादित, विपणन या फिर फंड कर लेंगे। इस प्रसंस्करण के जरिए वे अच्छे विचारों और कम अच्छों से अलग कर लेते हैं।
उनकी समृद्ध कल्पनाएं योजना के विभिन्न संभावित संस्करणों से होकर गुजर सकती हैं और योजना के प्रत्येक तत्व पर पकड़ बनाते हुए उसे तेज कर सकती हैं। वे योजना में अपनी भूमिका को पहले ही देख लेते हैं और फिर जल्द ही ये पता लगा लेते हैं कि सबसे बड़ी जरूरतें कहां पर हैं। हो सकता है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कुछ चीजों को नैपकिन पर भी लिखना पड़े या फिर उन्हें एक कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए तैयार करना पड़े, लेकिन विजन कास्टिंग का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से दिमाग में ही चलता है। एक बार योजना के पर्याप्त पक्का हो जाने और जनमत की परख के फैसले के बाद इस प्रकार के उद्यमी अपने बेहद विश्वसनीय सहयोगियों की सलाह लेंगे। लक्ष्य वास्तव में उनके साथ संपर्क करना, प्रखर करना, काम को दोबारा करना और दृष्टि को तेज करना है। एक बार इस प्रक्रिया के फलदायी होने के बाद अगला कदम इस योजना को दूसरों के सामने प्रस्तुत करने के सरल तरीके खोजने पर काम करना है। अगर ये भाग ठीक तरीके से किया जाता है तो दूसरे भी आपके साथ आने को तत्पर होंगे। साझेदार, शीर्ष स्तर के कर्मचारी और शार्क टैंक के सदस्य विचार को पूरी तरह से प्राप्त करेंगे और कुछ उत्सुकता से लाभ के तरीकों को तलाश करेंगे। व्यवसाय के एक बार वास्तव में स्थापित हो जाने के बाद इस दूरदृष्टि को स्पष्ट रूप से कर्मचारियों और लाइन पर काम करने वाले श्रमिकों के बीच व्यक्त किया जाएगा ताकि उन्हें उत्कृष्टता के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा सके। उन्हें लगता है कि वे एक ऐसी चीज का हिस्सा हैं जो जीवन से बड़ी है। जाहिर है आपने एलन मस्क के साथ ऐसा देखा है। उन्होंने अपने विचारों को सामने रखने के लिए बड़े मंच की प्रस्तुतियों के तरीके को अपनाया। वे ऐसे व्यक्ति के लिए काम करना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे जो मंगल ग्रह पर कॉलोनी स्थापित करने या फिर धरती को बचाने के लिए दुनिया की हर कार कंपनी को इलेक्ट्रिक मोटर्स का रुख करने को मजबूर कर रहा है। आप अपने व्यापार करने के तरीके को कैसे बदल सकते हैं कि उसमें आपका विजन भी शामिल हो जाए? क्या आपके पास कोई दूरदृष्टि है या फिर आप एक नुस्खे पर काम करके अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास कर रहे हैं? प्रत्येक कंपनी जीवित रहने के दृष्टिकोण से बड़ा सोचकर फायदा उठा सकती है। यदि आप जिज्ञासा, विश्लेषण और बाकी के बारे में उपरोक्त विचारों का पालन करते हैं तो आपको अपने व्यवसाय के लिए एक विजन तैयार करने में सक्षम होना चाहिए। ये तो थी इस मशहूर बुक की कुछ खास बातें। अभी पूरी ऑडियो बुक सुनने के लिए डाउनलोड करें कुकू FM ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस ना मिस करें, इसके लिए अभी कुकू FM लर्निंग को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं।